हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टेंट रेड मेहंदी बनाने का सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही ज्यादा आसानी, छोटे बच्चे अगर आपके घर पे है या फिर आपको इंस्टेंट कहीं पे जाना है और आपको मेहंदी लगानी है, तो बहुत आसान एंड सिंपल सा जो है ये मेथड है, आप बहुत ईजिली इसको बना सकते हैं एंड लगा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं ले लूंगी 2 चम्मच के करीब शुगर, और उसमें मैं ऐड करूंगी जो है 2 चम्मच के करीब चाय पत्ती। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट है आपको इंस्टेंट एंड डार्क मेहंदी देने के लिए। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे घर में बहुत इजीली मिल जाता है, अगर ब्राउन शुगर आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन शुगर से कलर जो है बहुत अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग एंड गहरा आता है। उसके बाद ये दोनों चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 लौंग, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि लौंग जो है बहुत ज्यादा गहरा नेचुरल कलर देने में हेल्प करता है, और बहुत अच्छा जो है इसकी खुशबू आती है, नेचुरल आपको जो है ये एरोमा प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे इसकी अच्छी बात लगती है। लौंग जो होता है ना, ये आपको गहरा एंड लास्टिंग कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एंड शुगर जो है आपने पीसी हुई, बहुत ज्यादा बारीक नहीं लेनी है, थोड़े से जो मोटे दाने होते हैं वही शुगर का आपने इस्तेमाल करना है, अदरवाइज ऑयल निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी एंड फिर आपको जो है उतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये पतीला जो है मैं जब भी इंस्टेंट मेहंदी या फिर नेल मेहंदी बनाती हूँ उसी के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड जो है आपके पास पत्रे का अगर डब्बा है तो बहुत वेल एंड गुड है, आप जो है उसका इस्तेमाल जरूर से करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, एंड देन उसके बाद इसको अच्छी तरीके से साइड में करना है, एंड बीच में आपने एक बाउल को रखना है। आपने बाउल जो है प्लास्टिक का नहीं रखना है, स्टील का बाउल अगर आप रखोगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जितना भी अर्क मेहंदी का निकलेगा, जो भी इसका ऑयल निकलेगा, वो बहुत ही इजीली जो है इसमें जमा हो जाएगा, तो आपने जो है ये रखना है। अगर आप प्लास्टिक का रखोगे तो वो जो है मेल्ड हो सकता है, तो इस तरीके से जो रखना है 5 से 7 मिनट आपने इसको अच्छी तरीके से जो है गैस पे रख देना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं मीडियम पे रखूंगी, लो नहीं रखना है, फास्ट नहीं रखना है, फास्ट रखोगे तो जल जाएगा, और अगर आप लो रखते हो ना इसको तो फिर वो जो है जल्दी से अर्क नहीं निकलेगा, और अर्क निकलने के पहले ही जो है वो जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले ना वो सारे ही जल जाएंगे, तो लो भी नहीं रखना है, फास्ट भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है आपने। एंड देन उसके बाद जो है इस पे पानी से भरा हुआ मैं एक पतीले को रख दूंगी, एंड अच्छी तरीके से आपने कवर करना है, बिल्कुल भी भाप बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर भाप बाहर गई तो अर्क जो है इसमें तैयार नहीं होगा, तो आपने इसको रखना है। एंड देन उसके बाद मैं इसमें लीड को इससे कवर कर दूंगी 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और उससे ज्यादा 10 मिनट, उससे ज्यादा आपने इसको नहीं रखना है। बीच में 5 मिनट हो जाए तो फिर ये जब ठंडा होने लगे इसको बंद कर देना है गैस के फ्लेम को, एंड ठंडा करके आपने एक बार चेक करना है कि अर्क जो है कितना आया है, बार बार इसको टच करके या फिर उसको जो है बार बार 2-2 मिनट में चेक नहीं करना है। उसके बाद इस मोमेंट पे जो है हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, बिकॉज जो है हमारा 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, एंड देन आप यहाँ पे आराम से देख इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने दीजिए पहले, तो बिल्कुल भी आपने इसको गर्म में टच नहीं करना है, और अच्छी तरीके से ऊपर वाला जो पतीला हमने रखा था उसको अच्छी तरीके से रखना है, ताकि जितना भी भाप है इसमें जमा हो जाए, उस लीड से उसको कवर करना। एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मेहंदी का अर्क जो है वो बन के रेडी है। अब इसमें सीक्रेट इनग्रीडियंट हम डालेंगे इंस्टेंट मेहंदी के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पतीले की आप हालत देख सकते हैं, लेकिन मैं जब भी नेल मेहंदी या फिर इंस्टेंट मेहंदी बनाती हूँ इसी पतीले में बनाती हूँ, और ये बहुत इजीली क्लीन भी हो जाता है, और जो भी नहीं होता है तो आप उसकी हालत थोड़ी बहुत देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा गाइस, बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा तामझाम है, बहुत ज्यादा नेचुरली आप इसको कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी इसकी बात है कि ये जो है आप घर पे बहुत ही इजीली इंस्टेंट मेहंदी बना सकते हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप पतीले को, ये जो बाउल है जो हमने इसमें रखा था, आप देख सकते हैं इसकी भी हालत, एंड जितना भी अर्क इसमें निकला है ये भी आप देख सकते हो। अच्छा गाइस, आप चाहो तो अगर
आप चाहो तो डायरेक्टली भी जो है इसको इस तरीके से अपने फिंगर पे और फिर जहाँ पे भी नीड है इसको लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा कलर आता है, इंस्टेंट मेहंदी का ये काम करता है बहुत ही इजीली जो है। बट ये आपको उतना ज़्यादा रेड नहीं देगा, ये हल्का सा जो है ऑरेंजिश कलर में होगा। 2 से 3 कोट लगाओगे तभी जो है ये आपको रेड कलर प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि मैंने लगाया एंड तुरंत ही धो लिया तो आप ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर हुआ है। आप लगा के इसको अच्छी तरीके से सूखने दे दीजिए, 5 से 7 मिनट लगेंगे एंड काफ़ी अच्छा कलर आता है। अच्छा जी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि आपने इसमें फूड कलर को ऐड करना है एंड फूड कलर जो है जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं ना वही फूड कलर आपने ऐड करना है। हर किसी की किचन में बहुत इजीली मिल जाता है तो 1 पिंच ऑफ के करीब आपने इस्तेमाल करना है। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया था इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो लाइक आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है बल्क में तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। ये दोनों ही चीजों को आपने अच्छी तरीके से पहले तो मिक्स करना है एंड देख सकते हैं आप इंस्टेंट ये जो रेड कलर हो गया है एंड ये जो है बहुत अच्छा एंड गहरा कलर देने में आपको हेल्प देता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा ये है मेरा फिंगर टिप इस पर अप्लाई करके बताती हूँ एंड 5 मिनट आपने इसको रखना है। 5 मिनट के बाद जो है ये बहुत अच्छा कलर आपको देता है। 2 से 3 कोट लगाओगे तो एकदम नेचुरल मेहंदी की तरह आप जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मेहंदी के लिए बैठ नहीं सकते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते कि बहुत अच्छा कलर देता है। 2 से 3 कोट लगाने के बाद एकदम रेड हो जाता है। तो 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइज जस्ट 2 मिनट हुए हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेड कलर आया है एंड जो फिंगर से मैंने लगाया था ना वो फिंगर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रेड कलर आया है। तो ये इंस्टेंट रेड मेहंदी का जो ये मेथड है ये बहुत ही ईजीली आप इसको बना सकते हो एंड ये जो है कलर काफ़ी टाइम तक रहता है एंड जो है ये बहुत ही नेचुरल इन्ग्रीडियंट से मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है एंड देन उसके बाद इसमें मैं 1 कप के करीब पानी को ऐड कर दूंगी और प्लेन वाटर आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद मेरा पहला इंग्रेडिएंट है जीरा। जीरा हर घर में बहुत ही इजीली मिल जाता है और इससे कलर बहुत ज़्यादा गहरा आता है। तो यहाँ पर जो है 1 चम्मच के करीब जो है मैं इसमें जीरे को ऐड कर दूंगी। अच्छी तरीके से जीरे को पकने देना है, जितना भी जीरे का कलर है वो पानी में आ जाना चाहिए बिकॉज जीरा जो है बहुत अच्छा और गहरा कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो है पानी का कलर चेंज हो गया है। इसी मोमेंट पे जो है मैं ऐड करूंगी कॉफी। कॉफी जो है कोई भी आप ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये ले लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपने उसी का इस्तेमाल करना है और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कॉफ़ी है वो आप ज़रूर से ऐड करें। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमको कलर नहीं आता है और मार्केट वाले जो केमिकल वाले जो कोन होते हैं वो हमको सूट नहीं करते, जब भी हम लगाते तो छिलकों की सूरत में उतरते। तो कॉफ़ी की मदद से जब हम कॉफी ऐड करेंगे उसमें तो वो भी जो है छिलटों की सूरत में नहीं उतरेंगी मेहंदी और कलर बहुत ज्यादा गहरा आएगा। अच्छा जी, अभी इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से बॉइल्ड भी आ गया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से इसमें बॉइल्ड आ गया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कत्ते का पाउडर। अगर आपको नहीं पता कत्ता क्या होता है तो एक डिटेल में वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है बहुत पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कत्ता कहाँ मिलता है और वो जो है कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको जो है उसका पाउडर बनाना है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे कत्ते का पाउडर ऑलरेडी मैंने बना के रखा था। तो यहाँ पे जो है कत्ते को जो है मैं आधा चम्मच के करीब जो है कत्ता मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि इससे कलर बहुत ज्यादा गहरा लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छा कलर आता है एंड लॉन्ग लास्टिंग कलर आता है। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब जो है मैं इसमें कत्ते को डाल दूंगी। इसको जो है अच्छी तरीके से आपने मिला लेना है ताकि जितना भी चीज़ें हमने डाली है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। कत्ते को आप नॉर्मल पानी में भिगा के जो है प्लेन वाटर में भिगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप पकते वक्त इसको डालोगे तो डबल गुडनेस आपको मिलेगी और मेहंदी का कलर भी बहुत ज़्यादा गहरा होगा। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है, और उसके बाद जो है रिक्वायर्ड अमाउंट मेहंदी को आपने ले लेना। मैं एक कोन के हिसाब से बना रही हूँ तो उस हिसाब से ले, अगर आप बल्क में बना रहे हो तो उस हिसाब से आप मेहंदी का रेशियो रख सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि जो है ये मेहंदी का इस्तेमाल मैं करती हूँ, बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि ये मेहंदी हमको नहीं मिल रही, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी जाके ले सकते हो। उसका ऑल्टरनेट है ये, आपके आसपास में मिल जाएगा, ये बहुत ईजिली मिल जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे तो इजीली मिलता है, और अगर ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक कोन के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली है। अच्छा जी, ये कत्ता जीरा और जो कॉफी का पानी हमने बना के रखा था, इसको जो है हम छान लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपने ये वाटर को डालना है, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज मिक्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, एंड जब ये वार्म हो तभी आपने डालना है, क्योंकि जब वार्म होता है तो लम्स गांठे वगैरह नहीं बनती है, बहुत कम बनती है, मिक्स करने में भी बहुत ईजिली जो है मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से इसको पानी को मिलाते रहिए और मिक्स करते रहिए, जल्दी से ईजिली मिक्स हो जाता है। एक साथ अगर आप पानी को डाल के फिर मिक्स करोगे तो जो है बहुत ज्यादा पतला गाढ़ा हो जाएगा पेस्ट, तो आपने बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा थिन पेस्ट को नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि जो है अच्छी तरीके से कोन से बाहर निकले, थिक और बहुत ज्यादा थिन नहीं होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी भी प्लेन वाटर से जो है नॉर्मल वाटर से मेहंदी को मिक्स नहीं करती हूँ, और जब भी मैं मेहंदी को बनाती हूँ तो ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करती हूँ जो नेचुरल हो और बहुत ही इजीली हमारे घर पे अवेलेबल हो, और मेहंदी का कलर को गहरा करने में नेचुरल इंग्रेडिएंट बहुत अहम रोल जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते कि कंसिस्टेंसी, जब इसको मैं 1 आवर के लिए छोड़ तो यहाँ पे जो है ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स 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 आपने करना है, एंड देन जो है आपने इसको 1 आवर के लिए जो है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप जो है पूरी रात इसको रखें, अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 आवर इनफ है बहुत अच्छा और गहरा कलर देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप जो है इसको जो है अच्छा खासा टाइम पूरी रात भर इसको रखें, बहुत अच्छा एंड गहरा कलर देता है। उसके बाद जो है 1 आवर के लिए आपने इसको ढक के रखना है, ओपन नहीं रखना है, और जो है उसके बाद जब 1 आवर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर अच्छा खासा टाइम रखना है, जितना टाइम आप रखोगे उतनी ही गुडनेस जितनी भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं उसकी इसमें इजीली आ जाएगी। एंड जो है आपने देखा ना, बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, जितनी बनाने में ईजी है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। सारी घर की ही इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किए, बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।